ये देखिए, यहाँ पे मैंने बारीक सब कुछ चॉप कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे गाजर चॉप कर ली, ये शिमला मिर्च, ये प्याज, और ये मैंने स्वीट कॉर्न। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि इसमें मेरी मेहनत लगी है। मैं ना अभी रिक्ता के वहाँ जा रही हूँ। रिक्ता हमारी बिल्डिंग से सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। यूट्यूब में ये दिख रहा था हर जगह की वायरल चटनी है, एक वायरल चटनी है, और सब लोग प्रज्ञा बात कर रही फोन में, और वहाँ वो उसको देखे, ये देखो, ये हमारी लवली भी फोन में बात करने। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम गिरीस व्लॉग्स। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम ठीक ठाक हूँ। तो फिर जैसे कि आपको पता है मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, मेरा मॉर्निंग रूटीन वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वपड़ा जो भी है मैंने करके नहा धो के एकदम फ्रेश होके मैं आ गई हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ कुछ स्पेशल। वैसे मैं बहुत बार बनाती हूँ इसे, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सैंडविच बनाई जाए। कल में क्योंकि हम ग्रोसरीज लेने गए थे तो मुझे दिख गया सामान, मैंने कहा यार कब से नहीं खाई सैंडविच, तो आज हम लोग ना वेजिटेबल सैंडविच बना रहे हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। तो फिर गुड मॉर्निंग पहले तो आप सभी को, और आज नाश्ते में बन रहे हैं सैंडविच। तो मैंने उसके लिए ये ले लिए स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, गाजर, चीज स्लाइस, मेयोनीज, और ये जो मैंने सेजवान चटनी ली है ना, ये मैं बहुत ही कम लूँगी। अदरवाइज़ अगर मन किया तो टेस्ट करूँगी, अदरवाइज़ नहीं लूँगी, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर, नमक पड़ता है, उसमें प्याज, बाकी वेजिटेबल्स अपने अकॉर्डिंग हर कोई डाल सकता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बारीक सब कुछ चॉप कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे गाजर चॉप कर ली, ये शिमला मिर्च, ये प्याज, और ये मैंने स्वीट कॉर्न। तो पता है ये तो मेरे हस्बैंड के इतने फेवरेट है ना, मैं इन्हें गर्म पानी में ऐसे ही डालती हूँ, मतलब क्योंकि ये फ्रोजन होते हैं, हमेशा बर्फ रहती है, तो फिर हटाती हूँ तो उन्हें ऐसे ही खा लेते हैं। तो साथ ही मैंने चीज स्लाइस भी ले लिए हैं और मैंने मेयोनीज भी ले ली है। सेजवान चटनी में देखूंगी पहले, सारा चीज मिक्सचर बना लूंगी, उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ इसकी जरूरत है तो मैं तभी डालूंगी, अदरवाइज में नहीं डालूंगी। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही ले लिया है मैंने ब्रेड। ब्रेड में ज्यादा बड़े नहीं लेके आई, मैं छोटी ही साइज की ब्रेड लेके आई हूँ। तो और मैंने यहाँ पे ये तवा भी रख दिया है, बट पहले जो है ना मैं इसका ये मिक्स कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैं इसे बाउल में डालती हूँ, आराम से फिर से बनाती हूँ। पहले यह है कि ना मॉर्निंग में दूध पीना है चाय, पहले मेरे हस्बैंड बोले चाय पीऊंगा, फिर बोले कॉफी पीऊंगा, मैंने कहा नहीं आज दूध बहुत ज्यादा बच गया आपको पीना पड़ेगा। तो मैं फ्रिज से दूध निकाल रही हूँ और ये दूध में मलाई जो है वो मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगी मलाई मक्खन बनाने के लिए, और फिर दूध गर्म कर लूंगी साथ ही साथ। और अरे अरे हाँ मैं भूल गई, मुझे यहाँ फ्रिज से वो भी तो निकालना है, घी, क्योंकि बटर नहीं है, बटर खत्म हो चुका है, तो मैं घी में ही टोस्ट को ऐसे रोस्ट कर लूंगी। मिक्स कर लिया उसमें मेयोनीज, थोड़ी सेजवान चटनी और
काली मिर्च और नमक डाल के उसे मिक्स किया अच्छी तरह से, फिर उसे ब्रेड के ऊपर रखा। उसके ऊपर मैंने दूसरी ब्रेड में लगाया वो चीज, मैं चीज स्लाइस लेके आई थी बट वो मेल्ट हो चुके थे तो वो अच्छे से स्लाइस निकले नहीं, तो मैंने चम्मच की मदद से निकाल के फिर उसे ब्रेड में स्प्रेड किया। अब मैं ये जो तवा मैंने यहाँ पे गर्म होने रखा है मैं उसमें घी लगा दूंगी और घी लगा के इन सारे टोस्ट को अच्छी तरह से, सारी सैंडविच को अच्छी तरह से मैं टोस्ट कर, मतलब वो कर लूंगी, गर्म कर लूंगी दोनों साइड से। फिर मिलती हूँ आपको, दिखाऊंगी फाइनल रिजल्ट। ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत मेरी फेवरेट है और मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, वैसे वो खा लेते हैं बट उन्हें ना ज्यादा आलू वाला टोस्ट पसंद है, उन्हें ये मिक्स वेजिटेबल टोस्ट पसंद है, चीज वाला तो स्पेशली। गाइस मैं आपको भज्जी का एकदम रिएक्शन बताऊंगी कि उन्हें कैसा लगा, आलू टोस्ट ज्यादा अच्छा लगा या फिर ये वाला ज्यादा पसंद आया। भज्जी कैसा है? सुनो झूठ नहीं बोलने, क्या है आलू टोस्ट से ज्यादा अच्छा है या फिर ठीक ठाक है? क्योंकि आपको ये वाला अपना खास पसंद नहीं, मुझे पता है ये मुझे पसंद है, बताओ। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि इसमें मेरी मेहनत लगी है, तो मैं दिला के लाया सारा सामान। सामान आपने दिलाया, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन बनाया तो मैंने, मेन होता है काम सामान दिलाना, लाना तो मतलब सामान लाना, कोई ला के रख देगा ये स्वादिष्ट है, तुम टेस्ट करो। यार गाइस मुझे तो ये हमेशा से बहुत पसंद है, मुझे अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं बहुत बनाती थी पहले, लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरा छूट गया था बनाना, जो कि इन्होंने आलू टोस्ट पसंद है, लेकिन मुझे ये वाली चीज सैंडविच बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने अपने लिए ना एक्स्ट्रा बनाए दो। आप भी ट्राई करो, ये टिप्स इस बता देगी, मैंने बता दिया कि कैसे बनाना है, सीरियसली बता रही हूँ गाइस, बहुत टेस्टी बनता है। कभी भी हो ना अपने घर में ये बना रहा, बच्चों को भी ना, जो बच्चे वेजिटेबल्स भी नहीं खाते वो बच्चे भी इसे जरूर खाएंगे, क्योंकि मैंने खुद देखा था, मैंने जब पड़ोस में लक्की वंस को खिलाया था ना, तो इसने प्याज है, लक्की प्याज को छूता भी नहीं है बट उसने खाया, उसे बहुत टेस्टी लगा क्योंकि वो चीज का फ्लेवर, वो मेयोनीज, वो सब एकदम बैलेंस बहुत अच्छा लगता है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं ना अभी रिक्ता के वहाँ जा रही हूँ, रिक्ता हमारी बिल्डिंग से सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, तो उसके यहाँ मुझे दही का जामुन लेने जाना है, हमारा खत्म हो गया, मैं रखना भूल गई आई थी इसलिए, तो मैं जा रही हूँ। कल शाम को बोल रही थी कि मैंने आज रखा है, आधी वो मैंने कपड़े डाले थे, तो बोला आइए ले, मैं दही का जामन लेके अब अपने घर की तरफ जा रही हूँ। जब तुम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हो घर से बाहर, तो तुम ज़्यादा किसी को जानते नहीं हो, तो रीज़न ये होता है कि तुम्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मैं नहीं निकलती ज़्यादा बाहर, जितना हुआ अपनी ब्लॉगिंग करी बस हो गया, फिर मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, अपनी बिल्डिंग की लेडीज़ों से ज़्यादा बोलती हूँ, बाहर निकलना लोगों से इतना बोलना नहीं हो पाता मुझसे, लेकिन बोलते हैं तो लोग, मैं ऐसा नहीं इग्नोर करती हूँ, बोलती सबसे हूँ, बट मुझे काम था तो मैं ले आई। देखता कि वहाँ से मैं दही लेके आ गई थी जामुन के लिए, अब मैंने क्या कर रही हूँ, मैंने दूध गर्म कर लिया, मैंने उसे अब गर्म कर लिया, वो ज़्यादा गर्म हो गया था, थोड़ी देर उसे ठंडा करने रखती हूँ, फिर जामुन डाल के उसे ज़्यादा नहीं, एकदम ढक के नहीं रखूँगी क्योंकि गर्मी आ चुकी है, अगर एकदम ढक के रखूँगी तो जमेगा नहीं, तो ये हल्की सी छन्नी है इसे ढक के रख दूँगी और फिर वो शाम तक जम जाएगा, और फिर 4 बजे के अराउंड शाम के टाइम पे मैं उसे फ्रिज पे रख दूंगी। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए ये जो दूध है ये गर्म कर दिया है, ये बहुत बड़ा टिफ़न है पता है, तो मैं इस पे जामुन डाल दूंगी, तब तक मैं और कुछ काम है तो वो ख़त्म कर लेती हूँ। पता क्या, मैंने सोचा अभी टाइम है मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती सो जाती हूँ, बट ना वो जो सामने ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे से जेसीपी से, देखिए मैं जूम तो होगा नहीं यहाँ पे अभी, वो वहाँ जेसीपी से ट्रैक्टर में मिट्टी भर के ला रहे हैं, फिर यहाँ से आके ये मिट्टी यहाँ से घुमा के लेके आ रहे, तो पता है मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, मतलब मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि मुझे नींद लेनी थी, अब मैं सो ही नहीं पाई। तो ना अभी 12:15 हो चुका है, मैं उठ गई,
अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ खाना बनाने। तो आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, अरहर मलका की दाल, और साथ में एक वायरल चटनी देखी थी मैंने टमाटर की, वो वायरल चटनी भी मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। तो चलते हैं जल्दी जल्दी बनाते हैं। सारा फ्रिज से निकाल लिए हैं ढेर सारे टमाटर, लाल लाल से मुझे टमाटर चाहिए फ्रिज से। और कुछ चाहिए फिलहाल? तो फ्रिज से कुछ नहीं चाहिए। तो ये टमाटर ले लिए हैं मैंने, और मुझे दाल भिगोनी है, सबसे पहले मैं दाल रख देती हूँ। ठीक है, कुकर निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है। यहाँ पे मैंने जो वायरल चटनी देखी थी इंस्टाग्राम में भी देखी थी, यूट्यूब में भी देखी थी, हर जगह, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। आई होप ये अच्छी बने। तो मैंने इसे टमाटर रख दिए हैं हाफ पीस में कट करके, तो उसमें भी मुझे बाकी की तैयारियाँ मैं कर लेती हूँ। इसे मैं रख देती हूँ पकने के लिए। यहाँ दाल चढ़ा दी, यहाँ ये चढ़ा दी। अब मैं साइड से कर लेती हूँ दाल में तड़के की तैयारी, चटनी में जो और चीज़ मुझे डालनी है उसकी तैयारी, राइस की तैयारी और सैलड की तैयारी साथ साथ ही। तो इन सबको यूट्यूब में ये दिख रहा था हर जगह कि वायरल चटनी है, एक वायरल चटनी है, और सब लोग तक मेरी दाल में सीटी आएगी और ये टमाटर पकेंगे, तब तक मैं तड़का वगैरह जो भी है सब चीज़ की तैयारी करके एकदम अच्छे तरह से बढ़िया तरीके से और काम अपना निपटा लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपको लंच पूरा प्रिपेयर करने के बाद। और आपने आज लंच में क्या बनाया वो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। टमाटर तो यहाँ पे पक चुके हैं, अब बस करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसका हमने ये जो बाहर का छिलका है ना ये ऐसे पील कर देना है, क्योंकि ये खुद रिमूव हो जाएगा, पक चुका है। ऐसे सारे छिलके हमें पील करके ऐसे निकाल देने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं निकाल दूंगी। ये देखो खुद ही रिमूव हो जाएंगे वैसे तो, ये देखो। हाँ, मैंने ये टेस्टी है। वैसे ही मुझे टमाटर की चटनी पसंद बहुत है, बट तो इसलिए मुझे एकदम से याद आया कि ना बनाया जाए। ये देखो कितनी इजीली है, आसानी से रिमूव हो जा रहा है। और साथ ही मेरे कुकर में जो सीटी भी सारी लग चुकी है, तो अब मैं दाल में तड़का और चटनी की जो कटिंग कुटिंग मैंने कर ली है, इसमें जो भी मुझे प्याज डालना है, कच्चा प्याज, धनिया, मिर्ची, वो सब मैं भी डालती हूँ। राइस और टमाटर की चटनी, सैलेड और दाल बनके एकदम तैयार है। मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया है, सब कुछ करके रेडी है। और सिर्फ अभी 12:30 हो रहे हैं, मुझे लग रहा था कि टाइम बहुत लग जाएगा सब कुछ बनाने में, बट आधे घंटे में मेरा सारा खाना बनके रेडी हो गया एकदम। अब मैं सोच रही हूँ, मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है क्योंकि ट्रैक्टर वालों ने ना बिल्कुल ही सोने नहीं दे यार, इतना हल्ला। अभी भी कहीं पीछे वो लोग कोई ना कर रहे हो, लाना रहे हो तो वहाँ से पता है काम चल रहा है, जेसीबी से खुदाई हो रही है, खुदाई से जो मिट्टी आ रही है मिट्टी वो ट्रॉली में भर के ले जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ नहीं सो पा रही हूँ मैं, देखती हूँ नींद आती है तो पहले मैं कपड़े ले आती हूँ बाहर से, वरना धूप में पूरे ही सूख जाएंगे। तो हो गया, तो अब क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, आंखें गर्मी स्टार्ट है भैया, तो फिर मीठा तो बनता ही है। तो मैं ये अमूल की आइसक्रीम खा रही हूँ, योगर्ट मैंगो है, तो हम लोग अभी इसे एंजॉय करते हैं मेरे हस्बैंड, उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे। आंटी लवली कहाँ है? लवली कहाँ है? हाय कर दो, हाय कर दो, हाय लवली बोल दो, हाय लवली। पापा कहाँ गए? डॉगी है, कहाँ गया? हट 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 हट, क्या है? प्रज्ञा बात कर रही फोन में, और वहाँ वो उसको देख के, ये देखो ये हमारी लवली भी फोन में बात करने लग गई। हेलो बोल रही है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और बाहर एकदम रात हो चुकी है। अभी तक मैं बालकनी में बैठी थी, देखो बाहर एकदम रात हो चुकी है। मेरे हस्बैंड जैसा अभी आए और अभी वो चेंज करेंगे, चाय कॉफ़ी तो आजकल वो अवॉइड कर रहे हैं शाम की। तो अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, शाम के खाने की तैयारी करती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ और मिलती हूँ आपको उसके बाद। तो हम लोगों ने डिनर तो कर लिया है और आज हमें टाइम मिल गया, क्योंकि कल हम वॉक के लिए नहीं जा पाए थे, बट अभी हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं, नाइट वॉक के लिए। थोड़ा अगर खाना खाने के बाद 50 कदम से लेकर 100 कदम तक हर किसी को चलना चाहिए, तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, आराम से नींद आ जाती है। तो अभी हम चले घूमने के लिए 500 मतलब मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग 500 कदम चलना चाहिए। अब ठीक है, अपनी अपनी कैपेसिटी है, जितना चलना है। शाम के टाइम पे चलने में तो
देखिए पीछे का दरवाजा हम खोल के जा रहे थे। ठीक है तो अब हम लोग चल रहे हैं, थोड़ी देर इसी बहाने ना घूम फिर लेते हैं, मतलब बाहर इतना अच्छा मौसम हो रखता है। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक के लिए। साथ न छूटे राजावे, साथ न छूटे राजावे। गाइस तो हम लोग घर आ चुके हैं, और घर आने के बाद अब जा रही हूँ मैं एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि सारा काम भी हो गया और आज मन नहीं है कि दूध वगैरह कुछ पीने का। तो अब आराम करते हैं, मेरे हस्बैंड टीवी देखेंगे, मैं यहाँ बैठ के आराम से एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आई होप आपको आज का हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।